नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना YouTube चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नए बोलबम गाने के बारे में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं पवन सिंह के गाने के बारे में। कल पवन सिंह का गाना आप सभी के बीच आ रहा है टी सीरीज हमार भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से सुबह 6:45 पे। गाने का नाम है भोला जी के टोला। और कल खेसारी लाल यादव के भी एक नए बोलबम गाने के मोशन पोस्टर को आप सभी के बीच रिलीज किया गया। गाने का नाम है आंसू गंगा जल भइल। और आज भी खेसारी लाल यादव जी के एक नए बोलबम गाने के मोशन पोस्टर को आप सभी के बीच रिलीज किया गया है सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से। और सब गाना बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा गाना होने वाला है और आप सभी को खूब ज्यादा पसंद भी आने वाला है। लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ, सभी गाने को बहुत ही डाउन व्यूज मिलने वाला है, क्योंकि इस साल बोलबम गानों की सर्चिंग बहुत ही डाउन है। लगभग हर रोज 3 लाख सर्चिंग किया जा रहा है न्यू बोलबम सॉन्ग यूट्यूब पे। और ब्राउज फीचर सजेशन सर्चिंग और शेयर को लेकर टोटल 7 से 8 लाख व्यूज एक दिन में पवन खेसारी को मिल सकता है। वो भी आप सभी को ओरिजिनल व्यूज बता रहा हूँ, एक दिन में पवन खेसारी के गाने पे यानी बोलबम गाने पे 7-8 लाख व्यूज मिलेगा। और एड लग जाएगा तो उसका बात ही अलग है, लेकिन ओरिजिनल आप सभी को व्यूज बता रहा हूँ। और पवन खेसारी के मिल जाने की वजह से इस समय थोड़ा सा माहौल भी शांत है और फैंस लोग उतना एक्टिव भी नहीं है। थोड़ा बहुत कचर बचर दोनों में होता था तो फायदा भी होता था पवन खेसारी को। बाकी जैसे ही सावन खत्म होगा एल्बम गाना आने लगेंगे, अच्छा व्यूज और अच्छा लाइक्स मिलने लगेगा पवन खेसारी के गाने पे। और कुल मिला जुला कर बोलबम गाने में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही कम है, इसी वजह से इस साल बहुत ही कम व्यूज मिल रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी का अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।